पापा आ गए ना? ऊपर देखिए। एक बात बताओ प्रिंसेस, आपके साथ ये पहले भी कभी हुआ है स्कूल में? मतलब जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या धूप में दौड़ रहे हो या कोई एक्सर्शन का काम कर रहे हो? हाँ पापा, कभी कभी जब मैं स्टडी करती हूँ या वीडियो गेम खेलती हूँ तब मुझे धुंधला धुंधला सा लगता है और चक्कर भी आता है। नीति बेटा, आपने पहले हमें कभी बताया क्यों नहीं? मम्मी, मैंने बोला ना, मैं 2 मिनट में ठीक हो जाती हूँ। अक्षय, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजंस हियर। बाकी रिपोर्ट्स हम प्रिंसेस की बाद में करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी आई टेस्ट कराएंगे, ठीक है? आप आए ना, कुछ नहीं होने देंगे प्रिंसेस को, कुछ नहीं हुआ आपको। इधर आइए, इधर बैठिए। एक्सर्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ आपको। हेलो डॉक्टर दसूर, लगाओ हिसाब कि कब से वो मियां बीवी एक होकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। आजकल कुछ औरतें इतनी बेशर्म है कि शादीशुदा मर्द से भी अफेयर करती हैं। हाँ, इस घर में मैं बाहर की गंदगी अंदर नहीं आने देती, फिर भी कभी कभी बाहर की गंदगी दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे। मैं यार क्या कर रही हूँ? मुझे तो अक्षय के साथ होना चाहिए ना, मेरे अक्षय के पास। मैं यार क्या कर रही हूँ? मैं मुझे जाना होगा। अक्षय ने प्रॉमिस किया है मुझे कि वो विजय को सब बता देगा मेरे बारे में, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर जाती हूँ और इंतजार करती हूँ उसका, फिर मैं और अक्षय विजय को। उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन दिखाई देने लगा है मुझे। कितनी अच्छी है वो, और मैं तो क्या हुआ? अक्षय विजय को सब बता देगा और फिर, और अगर नहीं बताया तो? तो मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी सब विजय। विजय, मुझे नीति की बहुत चिंता लगी रहेगी, तुम उसके सारे टेस्ट करा लेना और जैसी रिपोर्ट आए मुझे फॉरवर्ड कर देना। जी। नंदिनी, ये आपको क्यों कॉल कर रही? मुझे ओ अब समझी, शायद आपको कॉन्फ्रेंस के लिए विश कर रही हूँ। हाँ लीजिए, आप बात कर लीजिए और हाँ बाद में मेरी भी बात करवा दीजिएगा। हेलो डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर नंदिनी, ओ विजय होगी वहां पे है ना? थैंक यू जी जी। कल सुबह की फ्लाइट है दिल्ली की। अक्षय, अच्छा हुआ अब कल से ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना पड़ेगा हमें, मुझे कल का इंतजार रहेगा। जी काफी डिसीजंस लिए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। विजय आपसे बात करना चाहती है। एक सेकंड देता हूँ, विजय से बात कीजिए। हाय डॉक्टर नंदिनी,
हेलो विजया, वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ। आप अक्षय को कॉल करके विश कर सकती हैं, लेकिन मुझे घर से जाते टाइम ना मिलकर गए ना बताकर गए। खैर छोड़िए, कल मिलकर बात करेंगे। कल प्रिंसेस, पापा दादा दादी को सरप्राइज देने वाले। और मान लो कि पापा काम में बिजी हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे नहीं मिलने जा पाए तो दादा दादी को बुरा लगेगा ना, इसलिए। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हें आंखों से ब्लैक ब्लैक नजर तो नहीं आ रहा ना? ऊपर देखो, इधर भी। नेल्स दिखाइए अपने। प्रिंसेस, मामा से कहिएगा कि स्कूल से पिकअप करने के बाद आपको मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाएं। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं करवाना चेकअप वेकअप, मुझे डर लगता है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंसेस, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो। पापा है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हेलो नंदिनी। हेलो इरफान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ अक्षय के साथ। नंदिनी मेरी पूरी बात तो सुनो इरफान। अक्षय ने मुझसे कहा है कि इन 2-3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। भाई साहब, आपने तो हमें पराया कर दिया। नीति बेटा को चक्कर आया था, आपने तो बताया नहीं हमें। वो हमें नर्सिंग होम से पता चला, क्यों आप भैया? हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आया कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभिया, मैंने तुमसे कहा ना कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी। नहीं थी बड़ी बात? अब भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजया दीदी ने कहा ना बड़ी बात नहीं थी। हाँ भाई साहब, ऑल द बेस्ट। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं ना, इसीलिए। हेलो, तुमने तो मुझे 11 बजे कहा था, लेकिन मैं 10:30 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना विजया मेरे घर चाय पीने आने वाली थी। मैंने सोच लिया है क्या करना है। अगर विजया मुझे फोन करेगी ना तो मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। नो डिस्टर्बेंस। बेचारी नंदिनी, मेरे इंतजार में कितनी नाजुक सी हालत हो गई है इसके दिल की, इसके मन की। कितनी उम्मीदें बांध कर रखी हैं इसने मुझ पर। इसे दिल्ली ले भी गया तो कैसे समझा पाऊंगा कि उसे अभी और इंतजार करना पड़ेगा मेरा। कैसे समझाऊं इसे मैं? हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, तो क्यों ना इन 2 दिनों में हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। आपकी माँ और आपकी बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ है। मैम क्या हुआ? अक्षय। क्या हुआ विजया? नीति। क्या नीति? नीति का एक्सीडेंट हो गया।